दोस्तों आज संडे वक्त होता है हैशटैग आसरादा का, तो जो भी सवाल करते हैं वन वीक में उसका देता हूं जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको वीडियो देखने में। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनके गेमिंग का सवाल है, भाई ये बताओ कि अगर ये वाला अपडेट नहीं किए तो आगे वाला अपडेट मिलेगा या नहीं। 100% मिलेगा भाई, अगर ये अपडेट नहीं किए तो वो अपडेट मिलेगा, लेकिन उसका MB थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा स्टोरेज लेगा, इस तरह का कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MD मुजाहिद का सवाल है, हाउ टू डाउन ग्रेड फॉर फर्स्ट रूम विच वॉज प्रोवाइड विथ ए न्यू फोन। देखिए ऐसा अगर करना है फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए, सबसे सिंपल है, आपका एकदम पहले जैसा हो जाएगा, सारा डेटा को रिस्टोर कर लीजिएगा पहले से और जो सिम वगैरह है उसको निकाल के फॉर्मेट कर दीजिए, आपका पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शिशु वाजरा का सवाल है, अपडेट के बाद कैमरा ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली लो हो जा रहा है, तो ऑटो ब्राइटनेस को रिमूव कर दीजिए, मतलब वो ऑप्शन को बंद कर दीजिए, आपका घटेगा नहीं लेकिन फ़ोन हीट करेगा, तो भैया ब्राइटनेस डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज़र ZC का सवाल है, भाई Realme 12 Pro Plus में VoNR इनेबल कर दिया करने पर शो नहीं कर रहा है। देखिए भाई Realme का कोई भी फ़ोन में VoNR शो नहीं करता है, लेकिन VoNR है, शो नहीं करता वो अलग मैटर है, पता नहीं क्यों करता, सॉफ्टवेयर से ये लोग फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन इस तरह का मामला है, किसी भी फ़ोन में शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज़र BZ का सवाल है, 4K में OIS इनेबल किया क्या। नहीं भाई, 4K में OIS नहीं है, 1080p 30fps और 60fps में OIS वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्सव मोदी जी का सवाल है, भाई Realme 10 Pro Plus में एयर गेस्चर फीचर्स आएगा, 100% आएगा, लेकिन जून जुलाई तक ये अपडेट देखने को मिलेगा एयर गेस्चर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोहेल का सवाल है, Realme 12 Pro Plus में मून मोड काज कर रहा है, क्रैश कर रहा हो, लेकिन उन्होंने लिखना चाहे था। तो देखिए अगर क्रैश कर रहा है मून मोड को, तो आप क्या करिए, कैमरा ऐप को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, उसके ऐप इन्फो में जाइए, क्लियर ऑल डेटा स्टोरेज में का जाकर क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, ये फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आशीष चौधरी का सवाल है, मून मोड पूरे नॉइस आ रहा है 14.0.0.807 में। देखिए अगर ऐसा आ रहा है तो जैसे मैंने अभी जो टिप बताया है कि डेटा को क्लियर कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, वैसा करके देखिए आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, लेकिन ऑटो रोटेशन को ऑफ करके फेंक लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चमन का सवाल है, भाई लोग स्क्रीन पर अटक गया है, लोगो स्क्रीन पर अटक गया है। देखिए लोगो स्क्रीन पर अटक गया है तो फ़ोन को क्या करिए, रीसेट करिए, एक बार रिस्टार्ट करिए, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोनू सिंह का सवाल है, भाई मैंने 3 times आपसे पूछ रहा हूँ, Realme 12 Pro Plus न्यू अपडेट आने के बाद कलर OS सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कैसे। देखिए ये जो APK है कलर OS का, वो आप हमें सेंड करिए टेलीग्राम में, हम चेक करेंगे और क्यों नहीं काम कर रहा फिर बता सकते हैं, अभी तो हम ऐसे कैसे बताएं कि क्यों नहीं काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नॉब का सवाल है, हेलो रजा भाई, Realme 12 Pro Plus में अच्छा अपडेट कौन सा आने वाला है। अच्छा अपडेट तो वही होगा कि Realme UI 6.0 सबसे अच्छा बेस्ट होगा, जब आएगा तो डिटेल मिल जाएगी, लेकिन यही है, तो 3 महीना रुक जाइए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 second का सवाल है, मेरा सवाल का जवाब देने पर भाई मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। देखिए भाई आपका कमेंट मुझे नहीं मिला, आप कौन सा सवाल किए थे इसके नीचे अगर सवाल करता तो हम जवाब देते, जैसे ये मिला, और अगर मिलता है मैं आप कमेंट लिस्ट जाकर देखिए सबका जवाब देता हूँ, और फिर भी आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी भाई, आपका हाथ, आपका फ़ोन, आपका सब कुछ, जो करना करिए, लेकिन हम जवाब देते हैं अगर कमेंट मिलता है, नहीं दे मिलता है कमेंट तो नहीं दे पाते। इस पर एक डिटेल वीडियो किया हुआ है कि कमेंट किस तरह से हाइड हो जाता है, जो हम तक नहीं पहुंचता है, कुछ वहां पर रहता है प्रॉब्लम जिसकी वजह से कमेंट हम तक नहीं पहुंचता और हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो ऐसा होता है, ठीक है, इस पर अगर बोलेंगे तो एक और वीडियो हम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रंजीत जी का सवाल है, HDR हट गया है अपडेट के बाद यूट्यूब पर। 100% भाई आपने सही कहा, HDR जो है हट गया, क्यों हटा है आप लोग ट्वीट करिए और इसका बग जो है उसको उसमें जाकर इशू को टाइप करिए कि HDR क्यों हटा है, तो वो लोग फिक्स कर देंगे नेक्स्ट अपडेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पैरल प्रिंस का सवाल है, भाई मैंने अपडेट किया है उसके बाद से कैमरा दिक्कत हुआ है, मून जूम करने पर 10x के बाद ब्लर हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है भाई तो आपको क्या करना है, ऐप को दाब के रखिए, उसका सेटिंग में जाइए और ऐप इन्फो में जाकर उसका जो डेटा उसको क्लियर कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आशीष जी का सवाल है, कैमरा टेस्ट करके दिखाना, कैमरा मोड पूरा खराब हो गया है। एक वीडियो आने वाला है मंडे को, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कैमरा अभी कैसा चल रहा है रियलमी 12 प्रो प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अलबिंद्रा का सवाल है हाउ टू अनइंस्टॉल इट। सिंपल है, सेटिंग ऐप को दाब के रखिए, 120 हर्ट्स वाला जो है आप बोल रहे हैं, सेटिंग को दाब के रखिए, उसके ऐप इन्फो में जाइए, वहाँ पर ऊपर तीन डॉट में जाइए, अनइंस्टॉल अपडेट मिलेगा, उसको कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नागेशेंद्रा का सवाल है, अपडेट के बाद पिक में ब्लूज स्मॉल डॉट आ रहा है, अपडेट के बाद अगर ऐसा कुछ आ रहा तो फोटो भेजिए, हमारे में तो नहीं आया। हाँ, सामने अगर बल्ब वगैरह है तो उसका घोस्ट इमेज आ जाता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूजर ZC का सवाल है, रियलमी 12 प्रो प्लस में VoNR कब शो होगा। कभी नहीं शो होगा भाई, पता नहीं ये लोग सॉफ्टवेयर में VoNR को मतलब शो क्यों नहीं करवा रहे, लेकिन वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नॉब गेमिंग का सवाल है, रजा भाई आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं। भाई उसके लिए इंटरनेट है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत सारी चीज़ें है, और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ी चीज़, तो वहाँ से लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो शैलेश जी का सवाल है, भाई मेरे रियलमी 12 प्रो प्लस अपडेट के बाद 4K वीडियो नहीं चल रहा है। मेरा भी नहीं चल रहा भाई, मोए हमारी लाइफ में हो चुका है और इसको रिमूव कर दिया है, HDR वगैरह को अगर चलाना है तो डाउनग्रेड चल जाइए, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑफिशियल राज का सवाल है, सर रियलमी 12 प्रो प्लस में ऑटोमेटिक रीसेट प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है रियलमी 12 प्रो प्लस में ऑटोमेटिक रीसेट प्रॉब्लम, तो फ़ोन को आप एक बार क्या करिए, सिस्टम लॉन्चर को अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैन साहब का सवाल है, HDR YouTube में नहीं है, नोट 13 प्रो में कोई और ट्रिक बताओ। देखिए अगर इसमें नहीं है नोट 13 प्रो में तो होना चाहिए, आप क्या करिए कि इससे पहले वाला जो अपडेट था उस पर डाउनग्रेड होके देखिए, या फ़ोन को फॉर्मेट करके देखिए, वहाँ पर आपका वर्क करने लगेगा अगर है तो, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा, लेकिन अगर है पहले और अभी नहीं है तो ये वर्क करेगा, बैंक में आपको जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा जी का सवाल है, मोबाइल को रोटेट करने के बाद कोई भी ऐप में एयर गेस्चर वर्क नहीं करता। हाँ भाई वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फ़ोन एकदम सीधा सीधी हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो ही काम करेगा, वर्टिकल में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देव पटेल का सवाल है, अपडेट करें या नहीं। अपडेट करेंगे अगर आप HDR वीडियो देखते हैं तो मत करिए, अगर नहीं देखते हैं तो आप कर लीजिए, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, एयर गेस्चर अच्छा चल रहा है और फ़ोन लैग स्टटर नहीं कर रहा है, तो इस तरह का कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुमित जी का सवाल है, स्मार्ट चार्जिंग सेटिंग क्या है। स्मार्ट चार्जिंग सेटिंग वो है कि आपका 3-4 दिन का डेटा को एनालाइज करके आपका फ़ोन को चार्ज में लगाएगा कि आप कितने देर चार्ज इसको करते हैं, कितना टाइम तक छोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं स्मार्ट चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बबलू जी का सवाल है, अपडेट में कोई प्रॉब्लम है क्या सर। वही HDR 10 वगैरह नहीं है, और कल मैंने एक वीडियो दिया मॉर्निंग वाला, वाला देख लीजिए, उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, किस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो कि AKS का सवाल है, ब्रो बैटरी बैकअप कैसा है आफ्टर अपडेट। बैटरी बैकअप अभी मस्त है, अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने कल चार्ज किया है और यहाँ पर 68% बैटरी अभी भी है इसमें, तो बैटरी बैकअप अच्छा चल रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो रवि राज का सवाल है, बहुत बड़ी गलती कर दी सारे यूट्यूबर लोग, घटिया बात करके रियलमी 12 प्रो प्लस ले लिए। देखिए बरा भाई आपने हमारा वीडियो नहीं देखा, अगर देखते तो हम आपको मना करते कि भैया मत लीजिए, और जहां तक इस फ़ोन की बात है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोन ख़राब है तो कौन सा ऐसा फ़ोन है जो आपको पसंद है, आपको जो भी पसंद है उसको YouTube में वो फ़ोन का नाम लिखिए और आगे में लिखिए प्रॉब्लम, उसके बाद जो भी वीडियो आएगा फर्स्ट वाला उसको खोल के देखिए, उसमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी उस फ़ोन में, तो इस तरह का कुछ मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो फेशियो चोमिंग गेमिंग का सवाल है, वीडियो रिकॉर्डिंग 10x जूम हो रहा है, कैमरा ऐप को अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, क्लियर और डेटा कर दीजिए, आपका ये फिक्स हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो रविंद्र का सवाल है, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, सेटिंग में जाकर रीसेट नेटवर्क का ऑप्शन टाइप करिए, वहाँ पर आएगा, रीसेट नेटवर्क कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राजू जी का सवाल है, V30 2 स्टोरियो स्पीकर है क्या। नहीं भाई, V30 में स्टोरियो स्पीकर का सैम्बल नहीं दिया गया, मतलब सपोर्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फनी टिप्स का सवाल है, Realme 10 Pro Plus में UI 6.0 मिलेगा कि नहीं? 100% मिलेगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक इसमें Realme UI 6.0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो AK Gamer का सवाल है, भाई मैंने Realme 10 Pro Plus अपडेट किया, अब मेरा फ़ोन स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्लीज़ बताओ। फ़ोन को थोड़ा देर चार्ज करके छोड़िए और उसका प्रेस एंड होल्ड करके रखिए बटन को, अगर फ़ोन चालू होता तो ठीक, या फिर बटन पावर बटन और उसका वॉल्यूम अप बटन दाब के रखिए, उसमें जो मेन्यू खुलेगा उसमें रिकवरी फ्लैश मोड का ऑप्शन होगा, उसको कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो तारा शूर का सवाल है भाई ट्रिक रॉन्ग वर्किंग नहीं कर रहा है, इस पर कैसे हटाए? हटाने का तो वही है, सेटिंग ऐप को दाब के रखिए, ऐप इन्फॉर्म जाइए, अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, हट जाएगा। और आपका कौन सा फ़ोन है आप कमेंट में बताइए, हम आपको बताएंगे इसमें वर्क करेगा या नहीं और कैसे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल है राजू जी का सवाल है IQOO Z9 Pro कब आएगा? IQOO Z9 Pro नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च होगा या फिर चाइना में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वारुल का सवाल है, भाई कहाँ रहते हो? भाई हम तो अपने घर में, देखिए आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो घर पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंसार अली का सवाल है, भाई Realme 12 Pro Plus में WhatsApp वीडियो कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, घटिया चल रहा है, WhatsApp को क्लियर ऑल डेटा करके देखिए एक बार, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो मोहित जोटवा का सवाल है, भाई Realme 10 Pro Plus में इमोजी वर्क नहीं कर रहा। भाई Realme 10 Pro Plus में इमोजी सही में वर्क नहीं कर रहा, मैंने भी टेस्ट किया है और पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, लेकिन नहीं कर रहा इस तरह का कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चक्री का सवाल है, हाउ टू टर्न ऑफ गेमिंग फ्लोटिंग विंडो ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको पहले गेम खोलना होगा, उसके बाद आप गेम असिस्टेंट या गेम टर्बो जो भी उसमें जाइए, सेटिंग में जाइए, वहाँ पर ये जो है फ्लोटिंग विंडो वाला उसका ऑप्शन होगा, उसको बंद कर दीजिए, आपका ये फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देवी सिंह का सवाल है, लेकिन भाई सेटिंग वाला ऐप मेरे में क्रैश हो रहा है, अनइंस्टॉल अपडेट कैसे करें? अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, वही सेटिंग में जाकर, ऐप इन्फो में जाकर, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है तो कौन सा फ़ोन है आपके साथ कमेंट में ज़रूर बताइए, उससे मतलब फ़ोन के लिए कैपेबल है या नहीं ये सॉफ्टवेयर, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो मोहम्मद सलीम का सवाल है, सेटिंग करो अच्छे से। देखिए जो माइक वाला वीडियो मैंने डाला था कि Realme 12 Pro Plus में माइक वर्क नहीं करता है, तो भाई ने किया कहा सेटिंग अच्छे से करो, तो भाई आप सेटिंग बता दीजिए, हम वैसी करके एक वीडियो देंगे और उसके बाद देखेंगे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वारुल जी का सवाल है, Realme और एक अपडेट रिलीज़ हो गया पर मेरे में नहीं आया, तो फ़ोन को एक बार फॉर्मेट करके देखिए, आपको अपडेट मिलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूज़र YQ का सवाल है, ओके हैप्पी न्यू ईयर 2081 इन नेपाल। बात सही है, 2081 आपके तरफ चल रहा है, क्योंकि जो इनका कैलेंडर है वो बैक मारता है, आगे नहीं जाता, तो इसीलिए अभी तक अभी 2081 वहाँ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंशुल का सवाल है, विदाउट ऐप कैसे करें? देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना Realme 10 Pro Plus को डाउनग्रेड कर लीजिए एंड्रॉयड 13 में, आपका ये वर्क करेगा, एंड्रॉयड 14 में पता नहीं क्यों ये फीचर्स को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, और तो यही था संडे, यही था Q&A, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।